अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आर यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी साइंस। सो फर्स्ट वी विल बी राइट डे। टुडे डे इज़ फ्राइडे कॉमा एंड द डेट इज़ 26 मार्च कॉमा एंड 2021। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक। टुडे आवर टॉपिक इज़ सॉल्व प्रॉब्लम। क्या है टॉपिक हमारे पास? सॉल्व प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी हमारी क्या है आज की? क्वेश्चन आंसर्स। एक्टिविटी इज़ क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है व्हाट डज अ प्रॉब्लम मीन। क्या है? व्हाट डज अ प्रॉब्लम मीन? आंसर है हमारे पास, अ प्रॉब्लम मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। अ प्रॉब्लम मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। रॉन्ग क्या इसका मतलब है? कि एक मसले का मतलब है कि वहाँ कुछ गलत है। इट्स मीन कि आप प्रॉब्लम मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कि कुछ गलत है। सो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज अ सॉल्यूशन मीन्स? व्हाट डज अ सॉल्यूशन मीन्स? तो हमारे पास आंसर क्या है? अ सॉल्यूशन इज़ एन आंसर टू अ प्रॉब्लम। अ सॉल्यूशन इज़ एन आंसर टू अ प्रॉब्लम, कि हल एक मसले का जवाब है। जैसे कि सोल्यूशन है उसके, जैसे कि एक प्रॉब्लम है उसका एक सोल्यूशन है, इस तरह। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर मटेरियल्स? के मटेरियल्स क्या हैं? तो हमारे पास आंसर है, मटेरियल्स आर द थिंग्स यू पुट टुगेदर टू मेक योर सोल्यूशन। के मटेरियल्स क्या होती है? कि एक ऐसी चीज़ होती है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ बना रहे होते हैं, किसी चीज़ का सलूशन निकाल रहे होते हैं, तो आपको उसकी चीज़ की ज़रूरत होती है, चीज़ों की, कुछ चीज़ों की। तो वो क्या होता है? आपके पास मटेरियल्स हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? मटेरियल्स। कुछ थिंग्स की ज़रूरत होती है आपको, तो उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल्स। सो स्टूडेंट, ये आपके 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपने कॉपी पर राइट भी करने हैं। आपकी सेम प्रेजेंटेशन इस तरह होनी चाहिए, मार्जिन्स लाइन लगनी चाहिए, और उसके बाद इस तरह क्वेश्चन आंसर आपके राइट होने चाहिए, ठीक है? और आपने इसको लर्निंग भी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।